Subscribe Mom I'm Home and don't forget to hit the notification bell. Hello friends, welcome to Mom I'm Home. Today I'm gonna talk about Sitaphal or Custard Apple. आजकल सीताफल एकदम सीजन में है एंड दिस इज़ एन अमेजिंग फ्रूट जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं. दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी गुड फॉर किड्स एज वेल एज प्रेगनेंट मदर्स. मैंने प्रेगनेंसी में इसे बहुत खाया था एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. टुडे आई एम गोना शो यू अ क्विक एज वेल एज ईजी मेथड टू डीसीड द सीताफल. मतलब कि आप बहुत ही आसानी से उसके बीज निकाल सकते हैं एंड जो पल्प आप उससे सेपरेट करेंगे उसे आप किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं. आप उसे बच्चों के मिल्क शेक में डाल सकते हैं, अपने मिल्क शेक में डाल सकते हैं, या फिर यू कैन एड इट इन द कस्टर्ड और यू कैन गिव देम एज सच. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग टू सीताफल. ये अच्छे से पके हुए हैं, दिस आर नाइसली राइपन्ड. Remove all the pulp and collect it with the help of a spoon. When it is all done, I am taking my food processor jar and usme jo dough knead karne wala attachment hota hai, aata gundne wala attachment, I have taken that. Not the one with the sharp metal blades but the one with the non-metal blunt edges. इससे जो होता है seeds grind नहीं होते, they just get separated from the pulp. Fit that attachment to the bowl and pour all the pulp into it. अब bowl को processor में place कर लें and put the lid on. अब इसे धीरे धीरे blitz में चलाइए थोड़ी थोड़ी देर में. तो आप देखेंगे कि सीड्स सारे अलग होने लगे हैं एंड द पल्प इज गेटिंग सेपरेटेड. बहुत स्पीडली चलाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्प्लैटर हो जाते हैं. जस्ट डू इट इन इंटरवल्स. तो आप देख रहे हैं सारा बीज जो है अलग हो गया है. क्योंकि वो ब्लंट ब्लेड है तो पल्प जो है वो पिसता भी नहीं है, इट रिमेन्स इन दैट चंकी टेक्सचर. बस इतना ही. अब इसे रिमूव कर ले एंड यू विल सी कि अब हमें सिर्फ सीड्स को कलेक्ट करना है, विच वी कैन डू इट ईजली विद द हेल्प ऑफ ए स्पून. अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो देन यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सीव या छन्नी की मदद से आप उसे सीड्स को रिमूव कर सकते हैं. आप अपने बच्चों को ऐसे ही इसे खिला सकते हैं या फिर इस पल्प को यू कैन ऐड इन द मिल्क शेक्स, कस्टर्ड्स, क्रीम. टुडे आई एम मेकिंग सीताफल आइसक्रीम. फॉर किड्स यू कैन सर्व दिस आइसक्रीम बेस विदाउट चिलिंग. मीन्स जो आइसक्रीम का बेस रेडी होगा आप उसे बिना चिल किए हुए, बिना फ्रीज किए हुए बच्चों को दे सकते हैं एंड द आइसक्रीम यू कैन सर्व टू योर गेस्ट इन दिस फेस्टिव सीजन. So for making an ice cream base, first of all I am taking a chilled fresh cream and then I am beating it till it is fluffy. Chilling the fresh cream actually helps in incorporating air into it. तभी वो जल्दी beat करने से fluffy होता है. When it is all done, add condensed milk to it. Here we don't have to add too much of condensed milk because सीताफल as such ही बहुत sugary और मीठा होता है. Just add a little amount. Just adjust it according to the sweetness of the pulp you have. Beat it again and when it is done, add half of the pulp which you have collected and mix it well. So in this stage you can serve this to your kids without chilling. अब उसे बाउल में पोर कर लें एंड उसे फ्रीजर में रख दें. और जब ये सेमी सेट हो जाए देन ऐड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द पल्प एंड स्विर्ल इट विद द हेल्प ऑफ स्पून. डोंट ओवर मिक्स इट एंड आफ्टर सेटिंग इट लुक्स लाइक दिस.
just as found in the stores, with chunks of sitaphal to bite along with the ice cream. So scoop it up and enjoy. So friends, if you like this video, please do subscribe to my channel and also press the like. You can also comment in the comment section. And till next week, take care. Bye bye.